नई 2021 वाली किया स्पोर्टेज शोकेस हो चुकी है, जो किया स्पोर्टेज का फिफ्थ जनरेशन वेरिएंट लॉन्च होने वाला है, जो 2021 की हुंडई टूसोन पर बेस होगी, जो जीप कंपास और XUV700 को रिवील कर सकती है, क्योंकि आपको इसके अंदर XUV700 को जैसी फ्रंट की लुक देखने को मिल सकती है और आपको इसके इंटीरियर में बिल्कुल कर्व सी स्क्रीन मिलती है, जो बहुत ही हाईटेक लगती है मर्सिडीज की तरह देखने में, जो कि मैं मांगता हूँ इसकी लुक्स को, जो बहुत ही अलग सी लगती है। इसके अंदर आपको सामने बम्पर पे एक अलग सी लाइट्स देखने को मिलती है। आपने 2021 की हुंडई टूसोन देखी होगी, केस की गई थी, ऐसा लगता था जो 2021 की हुंडई टूसोन थी उसको शोकेस किया गया था, उसके सामने आपको बहुत ही डिफरेंट सी लाइट्स देखने को मिल सकती थी, जिसकी हेडलाइट्स, जिसकी लाइट्स बहुत ही डिफरेंट थी। इसी तरीके से किया की स्पोर्टेज की लाइट्स आपको बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिल सकती हैं, जिसके अंदर आपको काफी नई सी लाइट्स मिलती है देखने को किया स्पोर्टेज के अंदर। इसको दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कि सामने आपको बहुत ही बड़ी ग्रिल देखने को मिल सकती है, जो कि आपने कहीं और ही देखी होगी इसके सेगमेंट में। इसकी बम्पर में आपको नीचे एक बहुत ही बढ़िया फॉग लैंप देखने को मिलते हैं, और अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको साइड में इसको देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, जो काफी बड़े हैं। ये टायर से 20 या 22 इंच के हो सकते हैं, जो कि मुझे लगता है इसकी गाड़ी की लुक्स को बहुत ही ज्यादा सूट करते हैं, जो इसके टायर आपको उसके साइड से देखेंगे तो आपको इसके साइड प्रोफाइल को बहुत ही ज्यादा बेहतर लगती है, जो बहुत ही ज्यादा कूल देखने लगती है इसकी साइड प्रोफाइल। आपको इसके एक्सटीरियर थोड़े से बढ़िया बम्पर देखने को मिलेंगे, और इसकी इंटीरियर काफी बढ़िया अपग्रेड आया, क्योंकि इसका इंटीरियर बहुत ही ज्यादा हाईटेक होने वाला है, जो कि आपको इसके डैशबोर्ड में कर्व स्क्रीन मिलती है, बहुत ही ज्यादा कूल लगती है, एस क्लास में आती है और XUV700 में आती है। और अगर ये पूरी तरीके से इंटीरियर की बात करें तो इसके डैशबोर्ड में आपको बहुत ही बढ़िया एसी विंड्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपके इसके डैशबोर्ड में दो एसी विंड्स बढ़िया बढ़िया देखने को मिलेंगे। और इसका सेंटर कंसोल है, बहुत ही ज्यादा हाईटेक लगता है, जो बिल्कुल देखने में JLR की तरह लगेगा आपको देखने में। और अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसके स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन काफी कूल और बढ़िया देखने को लगता है। और अगर इसके इंजन की बात करें तो इसके इंजन बहुत ही ज्यादा ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत सारे इंजन देखने को मिल सकते हैं, जो कि इसके अंदर 1.6 लीटर का भी है और 2.5 लीटर का भी है, इसके अंदर 2.0 लीटर का डीजल इंजन भी है। और अगर ये इंडिया में लॉन्च होती है तो इंडिया में आएगा 2.0 लीटर का डीजल इंजन, RDI डीजल इंजन, जिसके अंदर आपको 180 हॉर्स पावर मिलेगी, 400 Nm का टॉर्क, और जो कि मैं मानता हूँ कि इसके सेगमेंट का बेस्ट इंजन है। और इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 22 से 30 लाख रुपए तक होने वाला है, अगर ये इंडिया में लॉन्च होती है तो। और अगर इसके पीछे की तरफ की बात करें तो आप इसके पीछे की तरफ में देखेंगे कि फ्लैट LED लाइट देख सकते हैं। अगर इसके एक्सपेक्टेड पावर ट्रेन की बात करें, यह इसके अंदर ऑफर करेगी पेट्रोल पेट्रोल हाइब्रिड एंड पेट्रोल प्लग इन हाइब्रिड पावर ट्रेन ऑप्शन साथ लॉन्च कर सकती है, लेकिन ये अभी इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। अगर फिफ्थ जनरेशन किया स्पोर्टेज के राइवल्स की बात करें तो जीप कंपास, सिट्रोन C5, एयर क्रॉस एंड हुंडई टू